अरिंदम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप मैनेजमेंट गुरु हैं, आजकल जो क्रिकेट खेली जा रही है वो कहा यह जा रहा है कि मैदान से बाहर भी खेले, दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। ऑस्ट्रेलियंस ने शुरू किया था मेंटल डिसइंटीग्रेशन, साइकोलॉजिकल वॉर होता था, उस तरह से कुछ अभी भी है, इसका कितना असर पड़ता है खिलाड़ियों का? बहुत असर पड़ता है। एक मैच जीतना क्रिकेट जैसा, इस पे जो टीम स्पिरिट है, जो कैप्टेंसी है, जो लीडरशिप है, इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। एक बहुत अच्छा टीम कभी कभी बाहर चला जाए, इनफैक्ट लास्ट वर्ल्ड कप में मेरे हिसाब से शायद इंडियन टीम बेस्ट थी, इससे भी बेटर टीम थी, लेकिन वो नहीं पहुंच पाई कहीं भी। अभी एडवांटेज इंडिया है। तो अभी मेरे ख्याल से ये है कि हमारा जो कैप्टन है धोनी, उन्होंने जो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बात कही थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि हम लोगों ने हर मैच को एंजॉय करने के लिए खेला। अगर हम दो मैच उसी स्पिरिट से एंजॉय करने के लिए सचिन को एक वर्ल्ड कप देने के लिए खेले तो हम जरूर जीतेंगे, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शाहिद अफरीदी की बात करें, अरिंदम, वो जो बॉलर रनअप पर जा रहा है और वो लगातार उसके कान में खटाखट खटाखट, वो इतना ज्यादा उसको फीड कर रहे हैं, क्या ये भी बाज दफा दिक्कत हो जाती है किसी भी आदमी के लिए कि भाई इतना क्यों बता रहे हो यार, मैं जानता हूं बॉलिंग करना जानता हूं, तभी तो टीम में हूं। एब्सोल्युटली, रूल यही है कि जिसको आप लेंगे आप बहुत समझ सोच के लीजिए, उसके बाद ज्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए, उसको जरा अपने काम के टाइम थोड़ा ढील छोड़ दीजिए। और धोनी ये जानता है करना, वो हर एक से, मतलब मेरे ख्याल से 1983 के बाद, 1983 में आप देखिए वेस्ट इंडीज वॉज अ बेटर टीम, इंडिया में आई, दो महीने बाद हमें 5-0 हरा के गई, तीन महीने बाद। लेकिन उस दिन जो हमारा बॉडी लैंग्वेज था, जो कैप्टेंसी था, कपिल देव के मुंह में जो स्माइल था, जो एक लायन हार्टेडनेस जो पूरे टीम में था, वो इंडियन टीम में आज फिर दिख रही है, एंड दिस हैज अ लॉट टू डू विद धोनी। जैसे जैसे एक जमाने में विवियन रिचर्ड्स किया करते थे, आते थे और ऐसे यूं घूर करके देखते थे गेंदबाजों को, और वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने ऐसा बहुत किया है, कितना असर पड़ता है आप अरिंदम, अगर मैं आपसे जानना चाहूंगा? असर तो पड़ता है, लेकिन धोनी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो ही इज रियली कैप्टन कूल, उनके ऊपर अभी असर डालना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं। ही इज रियली रिलैक्स्ड, फोकस्ड, कॉन्फिडेंट, ही इज गॉट अ ब्रॉड स्माइल, बॉडी लैंग्वेज इज वेरी पॉजिटिव, और टीम इंडिया में अभी जो स्पिरिट है इसको अभी मैं तो दबते हुए देख नहीं रहा हूं। इंडिया विल सेल थ्रू। नहीं, वो सचिन पे ही टारगेट कर रहे हैं और बाकी खिलाड़ियों का नाम नहीं ले रहे, तो अच्छा है ना, खुश रहिए ना भारतीय होने के नाते कि उसी पे है, बाकी छह मारेंगे सैकड़े। सचिन पे टारगेट करना तो अच्छा है, एवरी टाइम ही इज टारगेटेड ही आंसर्स बैक इन अ मच स्ट्रॉन्गर मैनर, तो ये तो गलत पड़ेगा, ये गलत पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा लगता है कि सचिन तेंदुलकर पर ये वार जो है वो गलत हो जाएगा, उल्टा हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हैं अरिंदम, जब जब सचिन को चैलेंज किया गया है उन्होंने अपने गेम का लेवल एक लेवल ऊपर कर दिया। एक क्रिकेट में जवाब वो टीम ज्यादा एग्रेशन और ये मेंटल प्रेशर डाल सकती है जिनका बॉलिंग में फास्ट बॉलर ज्यादा हो, बॉलिंग लाइनअप जिसका स्ट्रांग हो। वेस्ट इंडीज डालती थी बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग थी, ऑस्ट्रेलिया डालती थी बॉलिंग, तो इंडिया पे तो ये दबाव डालने का ठीक मौका मिलता भी नहीं है, क्योंकि आप तब डालेंगे व्हेन आपके पास पांच बॉलर है लगातार 90-95 के स्पीड में बॉल करेंगे जी, तब पर हैं उनके पास उमर गुल जैसे खिलाड़ी हैं। अरिंदम, जल्दी से आपसे रिएक्शन चाहेंगे, एक दिलशिकनी जो दिल दो दिल करीब आ जाते हैं, कम से कम इतना तो होता है ना वर्ल्ड कप के मैच में? नहीं, वर्ल्ड कप के मैच में तो जीतना है, वर्ल्ड कप के मैच में जीतना है। एक फ्रेंडली आप टूर्नामेंट कराइए, पांच मैच कराइए एग्जीबिशन, या फिर नॉर्मल इंटरनेशनल मैचेस में आप एक दूसरे को बुलाइए, दोस्ती कीजिए, बहुत अच्छी है। वर्ल्ड कप के मैच में जीतना है, दोनों तरफ से यही है नारा लगेगा कि जीतना है। जिला हारने की बात नहीं हो रही, आप तो जीत की तरफ चले गए। अब जिला पर आ जाते हैं।